मॉर्निंग का लिया था मैंने 100 भाट का है, 110 भाट का है। वो आइस गिर रही है नीचे, इसको पता ही नहीं, इसका सिस्टम खराब हो गया। रोबोट की खोपड़ी खराब हो गई है। अभी के टाइम मैं हूँ यहाँ पे खाओ सन रोड। तो मैंने यहाँ पे हॉस्टल बुक किया था, वो आप लोगों को मैं बाद में दिखा दूँगा। हॉस्टल लिया था मैंने 100 भाट का है, 110 भाट का है, तो वो अराउंड 220-230 रुपये के आसपास पड़ गया है। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मतलब इतना प्रो लेवल का भी नहीं है, लेकिन हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। तो आप लोगों को मैं वापस जब जाऊँगा हॉस्टल तो आप लोगों को दिखा दूँगा। तो अब यहाँ से मेरा प्लान है, ये GoPro की एसेसरीज़ वगैरह लेने का प्लान है, तो GoPro की एसेसरीज़ लेंगे। और मुझे ATM से कुछ पैसे भी विड्रॉ करवाने हैं। एक्चुअली GoPro की एसेसरीज़ वगैरह लेनी है तो उसमें खर्चा बैठेगा। अब ये देख सकते हो, ये 1000 पे आप लोग अगर 1000 निकालोगे तो 1000 पे 220 आप लोगों को थाई बात लगेंगे। और आप लोगों को मैं बता दूंगा मेरा एक्सचेंज रेट कितना लगा था। तो गाइज़ आप लोगों को मैं एक्सचेंज रेट बता देता हूँ। कि मेरा एक्सचेंज रेट कितना लगा था। एक्चुअली यहाँ पे एक्सचेंज रेट काफ़ी लगा है। ये देखो मैंने जो विड्रॉ मैंने 5000 थाई बात निकलवाए थे, तो मेरा एक्सचेंज आप ये लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मेरे जो गूगल पे एक्सचेंज रेट दिखा रखी है 2.24, और यहाँ पे मेरे से इन्होंने चार्ज किया 2.34। मेरे अकाउंट से टोटल कटे 11,500 रुपये कटे हैं। तो 220 थाई बात का इन्होंने वो काट लिया, इनकी ट्रांजैक्शन फ़ीस काट ली और बाकी ये सब काट लिया। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा अगर आप इंडिया से आओ तो इंडिया से डॉलर लेके आइएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे एक्सचेंज रेट से ठीक मिल जाएगा। बाकी ATM से विड्रॉ करोगे तो लाइक आपको 600-700 रुपये एक्स्ट्रा आप लोगों को पे करने पड़ सकते हैं, और बाकी 220 ट्रांजेक्शन फ़ीस लगेगी। तो आप लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था कि आप लोग अगर ट्रांजैक्शन फ़ीस को बचाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप लोग बैंक अकाउंट से बैंक में जाके विड्रॉ करवाना, ताकि आप अपने 220 थाई बात बचा सकते हो। तो ये अराउंड 450 रुपये के आसपास होते हैं, तो बहुत होते हैं 450 रुपये। मैं सेंट्रल वर्ल्ड में आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे GoPro की एसेसरीज़ लेनी थी, तो पास में ही था। मतलब 15 रुपये टिकट लगे हैं मतलब बस के, तो फटाफट से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखता हूँ GoPro की एसेसरीज़, अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो मैं फिर एक पत्तुआ नाना करके भी कोई जगह है वहाँ पे जाऊँगा। ये देख सकते हो, ये कॉफ़ी बना रहे हैं दोनों रोबोट। यहाँ आदमी नहीं है, यहाँ आदमी ये कॉफ़ी बनाते हैं रोबोट। कैफ़े अमेज़ॉन। ये दोनों के दोनों रोबोट कॉफ़ियाँ बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं MBK सेंटर में आया था, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप लोग कोई भी एसेसरीज़ ले सकते हो। देखो ये पूरा मतलब यहाँ पे शॉप्स है, जैसे जयपुर में आप लोगों को देखने के मिलेंगे इस तरीके से यहाँ पे शॉप्स हैं। तो आप लोग को आप बारगेनिंग भी कर सकते हो। अभी मैंने इसका जो GoPro का कवर लिया है और GoPro की स्क्रीन लगवाई है, मतलब गार्ड लगवाया, तो ठीक मुझे सस्ता पड़ गया। मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। मतलब मेरे को कवर पड़ गया इसका, और कवर और जो इसकी बैटरी भी ली है मैंने, जो सस्ती पड़ गई मेरे को। ये देखो काफ़ी अच्छा मार्केट है। मतलब मार्केट तो क्या, सारे शॉप्स हैं यहाँ पर लगभग। गाइज़ मैं GoPro के एक्सेसरीज़ लेके मैं वापस आ गया था, तो अब यहाँ पे आप लोगों को हॉस्टल दिखा देता हूँ। तो ये मेरा हॉस्टल है, ये छोटा सा ये 3HO हॉस्टल है ये मेरा, और ये इस तरीके से थोड़ा दिखता है आप लोगों के सामने। एक ये दूसरा O Bangkok हॉस्टल है यहाँ पे सामने। तो मेरा वाला हॉस्टल है वो थोड़ा चीप है, मैं आप लोगों को प्राइस भी बता दूँगा। ये यहाँ पे कॉमन रूम है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अभी काम कर रहा था अपना थोड़ा सा। और यहाँ से जब एंट्री लोगे, ये पानी वानी आपको यहाँ फ्री मिल जाएगा, ये एंट्री लोगे। और ये बाथरूम है, ये कॉमन बाथरूम है यहाँ पे। और ये चप्पल वगैरह आप लोगों को यहीं पे उतारनी पड़ेगी, और फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ से ऊपर जा सकते। जैसे आप लोग ऊपर जाओगे तो ये किचन है ये, तो आप लोग अपना खाना वगैरह जो बनाना चाहते हो कर सकते हो। और ये सेकंड फ्लोर पे ये साइड में ये रूम्स है, और ये गर्ल्स का शावर है और ये बॉयज़ वगैरह का है। और यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से लॉकर दे देंगे, और लॉकर की की भी दे देंगे, तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। और मेरा थर्ड फ्लोर पे है, ये थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे मेरा रूम है। तो ये रूम भी आप लोगों को दिखा दो। एक्चुअली मैंने डॉम लिया है, इसमें एक रूम कम्प्लीट रूम के अंदर 10 बेड लगा रखे हैं, और 8 बेड का भी, पर वो थोड़ा कॉस्टली है। इसके अंदर लोग इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं, तो आप लोगों में बता देता हूँ कि जो डॉम है इसमें 10 बेड हैं। तो जो मेरे को जो पड़ा है ये 100 बाट का पड़ा है, मतलब 210-220 के आसपास पड़ा है, तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर आप आओ तो यहाँ पे थोड़ा इसमें आ सकते हो, काफ़ी अच्छा है, सारी फैसिलिटी हैं। और टॉयलेट वगैरह भी देख सकते हो आप, टॉयलेट वगैरह भी काफ़ी साफ़ हैं, ये देखो। और ये गर्ल्स के लिए सेपरेट इन्होंने हॉस्टल दे रखा है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हो तो आप लोग इसको बुक कर सकते हो, ऑनलाइन बुक कर लेना, ऑफलाइन बुक होता है। लेकिन जो इसके सामने बैंकॉक करके हॉस्टल था वो ऑनलाइन ही बुक होता है। फाइनली मैं यहाँ पे खाओ सन रोड आ गया हूँ। तो अब आप लोगों को खाओ सन रोड बताता हूँ। मैंने बहुत सुना है कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लाइक नाइट लाइफ के लिए, तो देखते हैं कितना पॉपुलर है, क्या देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। बाकी ये देख सकते हो, ये मैं खाओ सन रोड का जो मेन सेंटर है यहाँ पे, उसके यहाँ से पूरा खाओ सन रोड चालू हो जाता है। तो चलते हैं यहाँ पर अंदर। देख सकते हो खा गर्मी से बेहाल है भाई। यहाँ पे पूरा फूड मार्केट है ये सारा का सारा, और यहाँ से क्लब वगैरह चालू हो जाते हैं। पीछे मेरे जितने भी हैं ये फूड मार्केट है। और सही बता रहा हूँ, गर्मी तो बैंकॉक की गर्मी तो हद कर रखी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे बार में एंट्री के लिए आप लोगों को अराउंड 120 रुपये के आसपास देने पड़े हैं। पता नहीं आप लोग आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेकिन 120 के आसपास देने पड़ेंगे आप लोग। और फिर अंदर एंट्री फ्री है, लाइक जो ड्रिंक्स वगैरह रहती है वो सारी फ्री है। एक्चुअली मैं तो मेरा कोई प्लान नहीं अंदर जाने का, तो देखते हैं अंदर बाहर ही विज़िट कर लेते हैं अपने। तो ज़बरदस्ती टकरा रही थी और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। तो मैं तो उसको छुटकारा पा के मैं तो निकला, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी और ऊपर से गाल पे मुंह और लगा रही थी। तो उसके बाद मैं तो इधर से आ गया वहाँ से, गायब होगी। उसको मैंने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और एक्चुअली वो कुछ और बोलना चाह रही थी, तो मैंने आगे आ गया। और ये पीछे की साइड अब यहाँ से शॉप पे ली है, फेंटा ली है, और अब ये फेंटा यहाँ पे 30 बाट की ली है। तो फेंटा लेने और क्लब वगैरह है, अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे जरूर आइएगा, बहुत क्लब है यहाँ पे। देखो ये क्लब वगैरह है यहाँ पे, और ये कोई क्लब है। गाइज़ मैं आ गया, अब यहाँ पे 10:30 के आसपास हो गया। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, लाइक एक अलग से आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो और अच्छा इन्जॉयमेंट रहता है, डीजे वगैरह चलता रहता है, तो अच्छा खासा इन्जॉयमेंट हो जाता है। तो आप लोगों को इस तरीके का पसंद है तो आप लोग आइए और बहुत मज़ा आएगा। लाइक सब कुछ खुल गया है, लाइक सारे बार खुल गए हैं, सब कुछ खुल गया, तो आप लोग अब इन्जॉय अच्छे से कर सकते हो। और ओवरऑल मुझे मज़ा आया। बाकी अब वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं यार, कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बट ये बोलूँगा लाइक आप आओ। और वैसे भी 1 तारीख के बाद तो सब कुछ खुल ही जाना है। ये वीडियो पता नहीं आप लोगों को देखने को कब मिलने वाला है, तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटे को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले कोई अच्छे से वीडियो में। बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।